सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग कैसे होता है ये बताएगी हमारी खबर। जिस तरीके से अधिकारी हो या वो जिस तरीके से उनका गाड़ियां आवंटित की जाती है, मंत्री बाबू और दूसरा स्टाफ गाड़ियों का दुरुपयोग करता है। इन गाड़ियों पर खर्च होने वाला ईंधन सरकार के खाते में जाता है। तो यूपी के सरकारी दफ्तर में काम करने वाले अधिकारियों के वाहनों का जो ईंधन होता है वो सरकारी खाते में जाता है। मंत्री से लेकर शासन स्तर के बाबू जमकर इस्तेमाल करते हैं सरकारी गाड़ियां। मंत्री जी और उनका स्टाफ अधिकारियों को आवंटित सरकारी गाड़ियों का हर छोटे बड़े काम के लिए जमकर इस्तेमाल करता है। भले ही सरकारी विभाग के अधिकारियों को पैदल ही काम क्यों नहीं हो, लेकिन वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेगा। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के स्वास्थ्य भवन से उजागर हुआ है, जहां संयुक्त निदेशक एवं अन्य चिकित्सा अधिकारी दिए गए सरकारी वाहन में मंत्री जी या उनका स्टाफ घूम रहा है। सरकारी वाहनों का हो रहा है दुरुपयोग। मंत्री और बाबू तक करते हैं अधिकारियों के वाहनों का इस्तेमाल। अधिकारी करते हैं निजी वाहनों का उपयोग। अधिकारियों के वाहनों में घूमता है मंत्री जी का स्टाफ। ईंधन के खर्च पर सरकार को लगता है पलीता। ये है सरकारी व्यवस्था। लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में तैनात अधिकारियों को सरकारी काम के लिए विभाग की तरफ से गाड़ियां दी गई हैं, लेकिन इन गाड़ियों का उपयोग मंत्री जी या उनके विभाग के बाबू करते हैं। अधिकारियों को जिस भी सरकारी काम से बाहर जाना होता है तो वो निजी वाहन का उपयोग करते हैं या पैदल ही उन कामों को निपटाते हैं। जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के परिवहन इंचार्ज से बात की गई, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों का इस्तेमाल मंत्रियों द्वारा करने की बात तो स्वीकारी, लेकिन जो ब्यौरा वो तीन मंत्रियों के लिए बता रहे हैं वो हैरान करने वाला है। यहाँ पे गाड़ियों की बात आ रही है कि कई गाड़ियाँ बाहर अटैच है, जितनी गाड़ियाँ हैं विभाग में वो नहीं चल रही है। आप क्या कहेंगे, आप क्योंकि यहाँ पूरा चार्ज देखते हैं, कितनी गाड़ियां हैं स्वास्थ्य भवन में और कितनी यहाँ पे चल रही हैं? ये तो सर साहब लोगों से पूछते हैं। आप इंचार्ज हैं यहाँ के? यहाँ नहीं, हम इंचार्ज हैं। आप बाबू हैं, पूरा लेखा जोखा। हमारे यहाँ जो भी गाड़ियां आवंटित हैं वो सब चल रही हैं। कुछ मंत्रियों के यहाँ लगी हुई हैं? कितनी लगी हैं? वो तो हर विभाग से जाती हैं। कितनी लगी हैं आपके यहाँ से? तीन मंत्री हैं, 12 गाड़ी लगी हुई है। तीन मंत्री को 12 लगी है, लिखा पड़ी में है सारा डिटेल। अब आप ही बताइए कि तीन मंत्रियों को 12 गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस आधार पर दी गई हैं? क्या एक मंत्री चार गाड़ियों का उपयोग एक साथ कर सकते हैं? ये बात शायद के न्यूज को तो हजम नहीं हुई। खैर, मंत्री जी हैं तो शायद वो कर भी सकते हैं। जब स्वास्थ्य विभाग में तैनात अधिकारियों ने इसकी सूचना आरटीए के जरिए मांगी, तो ये कहकर पूरा मामला टाल दिया गया कि मांगी गई जानकारी निहित प्रावधानों के कारण नहीं दी जा सकती है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विभाग के मंत्री किस तरीके से विभाग की गाड़ियों से पराठा भर रहे हैं, और वो भी एक गाड़ी का नहीं बल्कि एक साथ चार गाड़ियों का। नहीं, ऐसा है कि वो हमने देखा यहाँ आने के बाद निदेशक से लेके अपर निदेशक और ज्वाइंट डायरेक्टर की बात ही जाने दीजिए, तो विभाग में हमें पता चला गाड़ियों की कमी नहीं है। तो इसके तहत न हमारे अपर निदेशक को कोई गाड़ी मिली थी, न 5 ज्वाइंट डायरेक्टर को जो कि प्रशासन में है। तो उसमें कई बार हमने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मतलब सबके बीच में एक गाड़ी तो मिल जाए, तो एक भी गाड़ी नहीं मिली। तो हमने आरटीआई के तहत वो एक सूचना मांग ली, तो सूचना मांगी तो हमें लिख के ये मिला कि आपको सूचना नहीं दी जा सकती है और आप इसके लिए अधिकृत नहीं। स्वास्थ्य भवन में तैनात एक अधिकारी से जब के न्यूज ने बात की, तो उन्होंने स्वास्थ्य भवन में जारी इस खेल को बताया कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई इन गाड़ियों को मंत्रियों को दिया जा रहा है, वहीं किस तरह नियमों को ताक पर रखकर अपर निदेशक परिवहन किसी चिकित्सा अधिकारी को नहीं बनाकर ऐसे अधिकारी को बनाया जिसे स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। काफी हमारे अधिकारियों को मिलनी चाहिए थी,
उनको ना बांट के यहाँ के जो अपर निदेशक परिवहन है उन्होंने दे दिया। अपर निदेशक परिवहन जो है यहाँ चिकित्सा अधिकारी होना चाहिए। अपर निदेशक का एक्स्ट्रा पावर का चार्ज उन्होंने गलत तरीके से हथिया लिया, किस कॉन्स्पिरेसी की तरह हथिया लिया है, जगह जगह गाड़ियां बांट के लूटने खसोटने का कार्य डीके सिंह ने किया है। जो हमारे डॉक्टरों का हित मांगा इसके लिए हमने आरटीआई मांगी, आरटीआई में जवाब नहीं दिया। हमने जांच के लिए मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सबके लिए हमने लेटर लिख के दिया है कि अगर इन्होंने जांच नहीं को हमको बात दो माननीय उच्च न्यायालय में इनकी सीबीआई से इनके सभी खातों की इनकी अचल संपत्ति की जाँच करवानी पड़ेगी। स्वास्थ्य भवन में जिस तरह 12 सरकारी गाड़ियों को 3 मंत्रियों को दिया जा रहा है, ये एक बेहद गंभीर मामला है। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर ये बात है कि किस तरह नियमों की अनदेखी करके ऐसे अधिकारी को स्वास्थ्य भवन में अपर निदेशक परिवहन बनाया गया है, जिसे इस विभाग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। स्वास्थ्य भवन में सरकारी गाड़ियों का जो खेल किया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को खुद दखल देकर इसे रोकना चाहिए और जो भी अधिकारी इस खेल को चला रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ, एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस वक्त हमारे साथ मैं नववर्ष पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी नेता को पार्टी का चेहरा नहीं बनाया था और इसका बड़ा खामियाजा बीजेपी ने बिहार में चुकाया। अब 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है और इसके लिए पुराने चेहरों में कल्याण सिंह भी एक ऐसा नाम है जिसे बीजेपी मिशन 2017 की कमान सौंप सकती है। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि राम के लिए जिंदगी भर भी मुझे जेल में रहना पड़ेगा, मैं रह सकता हूं। कल्याण सिंह ने कहा था मेरी एक सरकार नहीं, अगर राम के चरणों में ऐसी 100-100 सरकारें भी निछावर होंगी तो कल्याण सिंह को प्रसन्नता होगी, कोई दुख नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं। तो यूपी का होगा कल्याण, कल्याण सिंह के नाम से जब जब कल्याण सिंह का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश में एक अलग सी राजनीति देखने को मिलती है, क्योंकि कल्याण सिंह ही ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी के नई अपार जिन्होंने लगाई थी, दो बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब जिस तरीके से वो राज्यपाल हैं राजस्थान के और लखनऊ में उनका जन्मदिन मनाया गया, तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी बधाई दी पहुंचे और उसके बाद ये सुगाहट तेज हो गई कि क्या वाकई में विधानसभा चुनाव 2017 में जो होना है क्या चेहरे के रूप पर बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है कल्याण सिंह को। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं पूरी कहानी। यूपी बीजेपी में मचा है घमासान, चेहरे की तलाश में बीजेपी। बिहार चुनाव हारने के बाद बीजेपी फूक फूक कर रख रही है कदम। मोदी का नहीं चल रहा है जादू, यूपी में कल्याण के सहारे बीजेपी। क्या कल्याण लगाएंगे बीजेपी की नैया पार? क्या यूपी में चलेगा कल्याण का जादू? बीजेपी का चेहरा बनेंगे कल्याण? यूपी में मिशन 2017 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी सियासी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं, फिर चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सपा क्यों ना हो, सभी दलों ने तकरीबन कमर कसनी शुरू कर दी है। एक तरफ सपा की कमान